एफआईआर हुई है, क्या उस एफआईआर में किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को नामजद किया गया? सवाल है कि ये अजंता मोरेवाल नाम की कंपनी के ट्रस्ट को इस पुल की मेंटेनेंस, रखरखाव और संचालन का जिम्मा देने का निर्णय किसने लिया? किसके हस्ताक्षर एफआईआर पर, किसके आदेश से हुआ है? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है? क्या आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं? आपने खोल दिया पुल, 12 रुपए 17 रुपए की टिकट लगा दी और भीड़ इकट्ठी कर दी पुल पर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है जिम्मेदार इसका? इंसान की जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री नाम के एक बहुत बड़े नेता थे इस देश, प्रधानमंत्री के पद तक गए। एक रेल दुर्घटना में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। हम यह जानना चाहते हैं किसकी जिम्मेदारी है इस शहर, किस राज्य की? कोविड में आप कहते हैं मौतें हुई नहीं, अस्पतालों की बाथरूम में लाशें मिली, यह स्थिति थी और आपने फिर भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब यहां कुछ ऐसा नहीं। कौन जिम्मेदारी ले रहा है गुजरात के लोगों की जिंदगी की? इस कंपनी का क्या अनुभव रहा? क्या कोई अनुभव है इस कंपनी को, अजंता जो घड़ियां बनाते हैं, अनुभव है पुल की रखरखाव का, पुल की रिपेयर का और संचालन का? ये सब सवाल एक एक हिंदुस्तानी के जहन में है, हम सबके दिमाग में है, आप सब पूछ रहे हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, बहुत प्रयास किए जाएंगे कि ये मुद्दा शिफ्ट हो जाए, लोगों का ध्यान मोरबी से अलग किसी और मुद्दे पर ले जाया जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, इस मुद्दे पर से ध्यान मत हटने दीजिए, क्योंकि 200 के लगभग 191 तो लाशें मिल चुकी हैं। इन सब का कर्ज है हमारे और आपके ऊपर। अगर हम इनसे ध्यान हटा देंगे तो कोई सरकार अपनी जवाबदेही नहीं मानेगी कभी भी, उन्हें कोई डर नहीं होगा। सरकार पर डर होना जरूरी है, नहीं तो ये तो तमाशा करते रहेंगे, टोपी लगा के, नए नए कपड़े पहन के तमाशा रोज सुबह से शाम तक, भले कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, पुल गिर रहे हो, लोग घायल हो, लोग परेशान हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क तब पड़ेगा जब हम बोलेंगे और आप उस बात को चलाएंगे और आप उस पर ध्यान रखेंगे। जिम्मेदारी अब हम पर और आप पर आ गई, सरकार पर कोई जिम्मेदारी मत मानिएगा, है ही नहीं इन पर कोई जिम्मेदारी। अगर होती तो इस तरह की कंपनी को जिसका कोई अनुभव नहीं है यह काम नहीं दिया जाता। अगर कोई जिम्मेदारी महसूस करता तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट देखा जाता। और हम जानना चाहते हैं क्या अहमदाबाद मेट्रो का फिटनेस सर्टिफिकेट है? क्या यह जल्दबाजी में तो नहीं शुरू कर दिया? क्या अटल सेतु का फिटनेस सर्टिफिकेट है? आज गुजरात का नागरिक किसी पुल पर, किसी सार्वजनिक मेट्रो पर, किसी पर चढ़ने से पहले 10 बार सोच रहा है, क्योंकि उसको अपनी सरकार पर से भरोसा हट गया है। ऐसी सरकार जो इस तरह के पुल तक का फिटनेस और ऑडिट नहीं कर पाती, उस सरकार का फिटनेस और ऑडिट अब जनता करेगी।